दोस्तों घर आ गए हो, बस ये सोचना है कि कीरत को सरप्राइज देना कैसे है। काफी डेंजरस और काफी ज्यादा एडवेंचरस है कि यार जितने हम सपने सोच रहे हैं वो तो ना थ्योरेटिकली सोच रहे तो ये ऐसे हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा, प्रैक्टिकली आपको पता लगता है नहीं यार पॉसिबल नहीं है। आप लोग कमेंट्स में बताना अगर किसी ने ऐसा किया हुआ है ऑलरेडी। बड़ा पॉजिटिव लग रहा है यार आज। आई होप आपका भी दिन अच्छा जाए। बस कह रहे नीचे रख फोन, नीचे रख। बट जुड़े रहना व्लॉग्स के साथ, सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो चैनल पे, आप लाइक कर दो। आपको गिफ्ट कैसा लगा? Hi guys, welcome back to the channel. Bye. छोड़ दे मुझे, नहीं जा रही गाइस मेरे साथ जिम। आज गाइस मैं छुट्टी ले रही हूँ जिम से। बस छोड़ दे, बस नो किसी टू यू, मेरी क्लास है, मिस हो जाएगी। बाय दोस्तों, लास्ट मिनट इस लड़की ने मुझे जिम के लिए धोखा दे दिया है। और आजकल टेम्परेचर हो रहा था बाय द वे 27 डिग्री, ठीक है, और अचानक से 12 डिग्री हो गए। क्या हुआ? मैं जान क्या कर भाई, लव यू। टेस्ला को मैंने ऊपर से ही हीट पे लगा दी थी कि गाड़ी ठंडी होगी, सो टेस्ला होगी फुल पार्क गर्म। सुहाना दिन चल रहा है दोस्तों आज का। मॉर्निंग बड़ी अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। ऑफिस की एक मीटिंग हुई और वो काफी दिनों से काम पेंडिंग था। आज हमने एक नए टीम मेंबर को ऑनबोर्ड किया है, सो होपफुली काम हो जाएगा हमारा। हमने फ्रीलांसर ही हायर किया, फुल टाइम नहीं हायर किया हुआ गाइस। एज अ एंटरप्रेन्योर ना जिसका कम टाइम होता है, मेरे को ना धीरे धीरे मतलब अनलेस वी ग्रो रियली बिग, भगवान करे एक दिन हो जाए, तब तक मुझे लगता है यार फ्रीलांसर्स वगैरह हायर करो मस्त, वो काम खत्म करते हैं, प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं और उनको ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक एम्प्लॉयर के लिए एम्प्लॉयज को ट्रेन करना। सो यार थोड़े महंगे होते हैं फ्रीलांसर्स, बट ठीक है, इट इज वर्थ इट। बड़ा पॉजिटिव लग रहा है यार आज। आई होप आपका भी दिन अच्छा जाए अगर रात को देख रहे हो तो। अगर नहीं अच्छा गया तो ये व्लॉग देखने के बाद बहुत मस्त दिन हो जाए आपका। सो आई विश यू ऑल द लक। जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारा चैनल देखते हैं, लव यू गाइस। ओ यार आपको ना एक गाना सुनाना था मैंने कल। ओहो अगर अभी नहीं सुना पाया ना तो जब भी आप ये व्लॉग देखोगे तो एक गाना है अरिजीत सिंह का, फिर और क्या चाहिए। ये लेटेस्ट मूवी से है, उसकी मूवी है मेरे ख्याल से, विक्की कौशल और सारा अली खान की। तो गाने के लिरिक्स कुछ ऐसे है, फिर और क्या आई एम रियली बैड एट सिंगिंग बट कुछ ऐसे है, मतलब कि फिर और क्या चाहिए, अगर तू मेरे साथ है तो मुझे और किसी की क्या दुनियादारी की क्या परवाह है। यार वो गाना अगर मिल जाए ना मजा आ जाए। बट प्रॉब्लम गाइस गाड़ी में ये आ गई है कि टेस्ला की जो प्रीमियम मेंबरशिप का ट्रायल था वो खो गया, खत्म। अब गाड़ी मांग रही है $13 पर मंथ के लिए इंटरनेट चलाने के लिए, या फिर मैं अपने हॉटस्पॉट से चलाऊं। और मेरे फोन में जो फाइडो का प्लान है वो भी सिर्फ 10 GB का है, तो वो भी कोई ज्यादा नहीं है। जिम के बस पास पार्किंग मिल जाए, शॉर्ट्स में आया ना, ठंड बहुत लगेगी वरना टांगों पे। दोस्तों जो पार्किंग चाहिए थी वो तो मिली नहीं, बट चलो कोई ना, कल बैक एंड रोई ना। स्पेक्स रखेंगे गाड़ी में और एयरपोर्ट्स पहन लेंगे, एयरपोर्ट्स पहने हुए गाइस, एब्सेंट माइंडेड। देखो दोस्तों जिम करके मैं आया हूँ गिलफर्ड मॉल। मेरे को एक्चुअली स्पोर्ट्स टेक से थोड़ी सी जिम वेयर लेना था और नाइकी पे शूज चेक करेंगे कि देखेंगे कौन से नए जॉर्डन आए हैं, अगर कुछ अवेलेबल हुआ बढ़िया लगा तो खरीद लेंगे। बाकी अब प्रे करना कि एक दिन आपका भाई रोलेक्स लेगा। बहुत ही ज़्यादा टाइम बाद इस मॉल में आया हूँ मैं। शॉर्ट्स ले लिए मैंने, अब मैं यहाँ पे आया हूँ स्पोर्ट्स टेक पे। मुझे ये शू बढ़िया लग रहा है, आई एम अ लिटिल कन्फ्यूज, इट विल बी अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम माई कलेक्शन। एक शू ना मुझे कीरत के लिए बहुत पसंद आया है, आपको भी उसका सरप्राइज दूंगा अगर उसका साइज हुआ। बहुत ही प्यारा शू है, मैंने अपने लिए एक शूज ले लिया है, घर जाके दिखाऊंगा आपको। गॉट द शूज, आई एम वेरी हैप्पी, अब कीरत को सरप्राइज दूंगा। बट अब प्रॉब्लम पता क्या आ रही है कि, और मेरे साथ ये हमेशा होता है कि मैं भूल जाता हूँ मैं मॉल किस साइड से आया हूँ। मुझे ये नहीं याद आ रहा कि गाड़ी कहाँ खड़ी है। शायद टेस्ला में एक फीचर है दैट यू कैन नेविगेट टू योर कार, शायद ट्राई करता हूँ। दोस्तों तुम्हारे भाई को आज हुआ क्या है, शॉपिंग पेल रहा हूँ। अब मैं H&M आया हूँ, सबसे मस्त बात मुझे ये लगी कि USD में लिखा हुआ है, कैनेडियन में लिखा हुआ है, मैक्सिकन में लिखा हुआ है, आई होप सो दिस इज फॉर मैक्सिकन, और COP मुझे नहीं पता क्या है, बट आई एम हैप्पी कि बाकी करेंसीज में भी लिखा हुआ है, होपफुली एक दिन INR में भी लिखा हो। सो गाइस मैं यश से मिलूं। यश कहाँ से हो? अमृतसर से हो, वेरी नाइस टू मीट यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लड़का स्मार्ट बहुत ज्यादा। इनमें से देखना कि मुझे कौन सा सबसे अच्छा कलर या फिटिंग लगती है, सारी अलग अलग कलर है, थोड़े थोड़े 19-20 का फर्क है। कीरत ने जब ये व्लॉग देखना वो बिलीव ही नहीं करेगी कि मैंने ये सब किया है। दिस इज द फर्स्ट टी शर्ट, अच्छी फिटिंग आई है, साइज L है। जितने भी लोग हैं खुद के लिए ले रहे हो या अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पति के लिए सोच रहे हो? L साइज ही है, वो भी L ही था, बट ये थोड़ा उसमें फिट अलग है और ये स्टफ काफी मोटा है, और ये है $19 का। यार ये भी बढ़िया लग रहा है, बट ये XL साइज है, ये मैंने सिर्फ साइज ट्राई करने के लिए ले लिया था, बट आई थिंक कलर सबसे ज्यादा इसका अच्छा लग रहा है।
पहना हुआ कलर मुझे इसका अच्छा लगा था। H&M से हम खाली हाथ ही जा रहे हैं, ऑनलाइन बैठूंगा तीरथ के साथ और उसका शॉपिंग करूंगा। मेरे को तीन चार चीज़ें और लेनी थी तो मैंने कहा यार तीरथ साथ ही कर दूँगा। और सच बताऊँ शॉपिंग में ना मेरी थोड़ी जान से निकल जाती है अनलेस मुझे एग्जैक्टली पता हो कि मुझे क्या चाहिए। जैसे जूते ले लिए, कोई ऐसी चीज़ ले ली जो मुझे एग्जैक्टली पता है, और मेरे से विंडो शॉपिंग होती नहीं है। मॉल से निकल लिए, अब तीरथ के पास जाऊंगा। उसकी थोड़ी तबीयत ऑन ऑफ हो रही है, बीच में वो ठीक हो जाती है, बीच में उसकी खराब हो जाती है। सो वो मेरे को याद तो कर ही रही है, बट मैं सोचता हूँ घर जब जाऊंगा तो उसको उसके जूते दिखाऊंगा तो उसको कैसी फीलिंग आएगी, वो खुश हो जाएगी। मतलब आज तो H&M में इतना रश था, इसलिए ट्रायल रूम भी सुपर बिजी थे, और बिलिंग की लाइन तो पूछो मत। That's a gasoline car, guys. Oh. दोस्तों घर आ गए, बस ये सोचना है कि कीरत को सरप्राइज देना कैसे है। लच्छो लच्छो क्या कर रहा है मेरा गुगला? तेरा लच्छो जिम से वापस आ गया है, जूते ले आए अपने लिए, तुरे कुछ कहा ही नहीं, तू बैग भी लेकर आया जूतों का। हाँ मैं सोच ही रही थी इस पे डील थी कितने का, 45 का होता वरना। हाँ 45 का होता, इस पे था कि अगर $150 से ऊपर की शॉपिंग करोगे यू गेट 50% ऑफ ऑन द बैग। वी रन वैन वैनकूवर का नाइकी से ही। हाँ 21 का पड़ा ये, नाइकी का है। कैसे लग रहा है? सो गाइस nice. So आपको भी याद है सबसे दुख मुझे इस पे आपका लगा है, स्पोर्ट्स चेक का। हेलो एवरीवन कर दो, तू व्लॉग नहीं बना रही पीछे से क्यों, तबियत ढीली। स्पोर्ट्स चेक का ये बैग खरीदा है $2-3 का। अब कहाँ जूते लेके जाता है, बैग नहीं था क्या इसमें? कैसे डब्बा भी तो छोड़ के आया, थोड़ी आ जाता ओपन इट। Very nice. मुझे बहुत प्यारे लगे, बहुत अच्छे है ना। हम ऐसे ही कलर ढूंढ रहे थे ना, अर्दी सा। ये बहुत अच्छा। The word you are looking is अर्दी। गाइस मेरी कुकू ने सिखाया मुझे। शॉर्ट्स देखो, शॉर्ट्स महंगी है ये काफी, $85 की आई है, बड़ी चाहिए थी। बहुत अच्छा लगा, बट इसको बड़ा ध्यान से 64 की गाइस इसकी वो थी, और पता नहीं 84 अच्छा। सो मेरे ट्रेनर मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि तुझे ऐसी वाली ही शॉर्ट्स चाहिए जिनके अंदर वो हो, लाइनिंग हो, जैसे दिस एक्ट्स लाइक अ अंडरवेयर। इट डजंट हैव टू वेयर अंडरवेयर। इस पे आंखें मटकाने की जरूरत थी नहीं कि डजंट हैव टू वेयर अंडरवेयर। कैसी लगी? 64। हां ये मेरे को महंगी लगी ऑनेस्टली, काफी महंगी है यार। मुझे लगता है हमें वी शुड चेक आउट इन द आउटलेट्स। तो इसका बिल यहीं पे है, अंदर ही है, बताता हूं आपको कितने की है ये। गाइस तो ये पड़ी है 74 की, 66 प्लस $3 टैक्स, ये वो मिला बुलू के। गाइस मैंने मार्केटिंग हुक का कोई काम नहीं किया बिकॉज़ मैं बहुत ज्यादा मेरी तबीयत। कोई बात नहीं, कोई बात है। आज मेरे को सब्सक्राइबर मिले, कहते हैं आप मॉल में हो क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है। मैं कहा अच्छा लॉन्ग वीकेंड है? मैं कहा भाई हमें पता ही नहीं चलता मंडे है ट्यूसडे है संडे है, हम तो आपस में पूछते हैं एक दूसरे से। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरे न्यू जॉर्डन्स कैसे लगे, हमें तो बहुत ज्यादा अच्छे लगे हैं। मुझे बहुत अच्छे लगे, लोज का दिल था मेरा, बट लोज का मुझे फ्रंट नहीं अच्छा लगा। लोज का फ्रंट अच्छा नहीं था, प्लस लोज में मेरा साइज भी नहीं था। सो या तो मेरा गूगल उदास हो गया, ठीक नहीं $22 का। स्लिंग होना चाहिए था, बैग टांग जूते टांग के थोड़ी घूमने। कुकू कैसे है मेरे गूगल मूड वाइज? ठीक हूँ। उदास? ठीक है चल फिर कुछ खाना बनाते हैं। मुझे तो राजमा ही खाऊंगा। ओहो हो 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 हो, कल मेरे गूगले चुगले राजमा बनाए थे। क्या कह रही है? तो वापस करा देंगे, मैंने ये भी पूछा ये भी वापस हो सकता है कि नहीं, इसमें ब्लैक कलर भी था। तो मैं पूरा बाबू मैं कंफर्म करके आता हूँ कि वापस हो सकता है। मैंने उसको स्टोरी भी सुनाई बंदी को, चाइनीज थी वहाँ पे, मैं उसको बताया, मैं कहा एक्चुअली व्हाटएवर आई बाय माय वाइफ मेक श्योर दैट आई शुड रिटर्न इट टू। कहती नो नो दिस इज अ वेरी नाइस बैग शी विल लव इट। मैं कहा नो 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 फ्यू मंथ्स बैक आई बॉट गोल्ड इयररिंग्स फॉर हर शी मेड मी रिटर्न इट। तेरी कसम बता गया उसको, हंस रहे थे आसपास सारे, समाज हंस रहा था मेरे पे समाज। हाँ वहीं से मिले जूतों के साथ। जूता $2 का है, what is this?
$2 का ये वाला स्पोर्ट्स एक का बैग आया है। अच्छा हमारे लिए आया है जूते। कैसी है मेरे गूगल की तबीयत? अब देख के ठीक हो गया हूँ। आजा ये सिर्फ इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लगे थे। ये इसलिए नहीं आया क्योंकि फीशी के जूते हैं तो जब भी फीशी कहेंगे कुकू के भी आएंगे। हाँ कोई गाइस मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जेन्युइनली मैं एक आधी बार चीज करता हूँ इसको वो नॉर्मल लगने लग जाता है, तो इसको लगता है कि अगली बार जब भी मैं अपने लिए कुछ भी लूंगा तो इसके लिए लाना मैंडेटरी है। नहीं नहीं है, तेरी कसम मैं बिल्कुल नहीं है। दिस इज अ स्पेशल ओकेजन एंड यू नो व्हाई? क्या है रीजन? बिकॉज़ आई वर्क रियली हार्ड। यस तूने मुझे परसों काफी इम्प्रेस किया था काम पे। आज भी तेरे को इम्प्रेस सच्ची करना था तेरी कसम। मैं ये नहीं कहूंगी मैंने 100% ट्राई किया। ओपन इट। व्हाट? ओपन इट। गिल्टी मैंने काम। अबे ओपन तो कर। नहीं नहीं था। फिर फुट लॉकर से निकल के मैं स्पेशली फिर से वापस नाइकी गया। हाँ। वहां कंफर्म किया फिर वहां जाके मिले मुझे। व्हाट? ये तो हम चेंज रिटर्न करते हैं, बहुत महंगे हैं ये। गाइस इसकी स्माइल देखो, ये 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 एक तरीका है बोलने का, नहीं नहीं तू रख, तू डिजर्व करती है। नहीं सच में बहुत एक्सपेंसिव है भाई, मेरे को नहीं चाहिए नाजायज जूते। वेलकम न्यू जॉर्डन्स इन योर कलेक्शन। मेरी पिंकी टीपू बहुत ही सुंदर है। मेरी इतनी गुलाबो लड़की को गुलाबो जॉर्डन्स तो मिलने चाहिए गाइस। है बहुत सुंदर। I didn't get that. Could you try again? Very. And it's not jetpack pink. It's very subtle pink. We will return it. Why? I really like it, but I don't want to spend फालतू। इतना ड्रामेबाज है ना। तेरी कसम। लूट नहीं गया। देखो पति कम बॉस की तरफ से गिफ्ट है। नहीं। प्यार से ले लो वरना थप्पड़ मार के भी दे देंगे। जितना मैं अपनी बीवी को जानता हूँ ऐसा भी हो सकता है कि इसको कोई और पसंद आई हुई और ये अवेलेबल वापस करना चाहती हो, बोल नहीं रही। बहुत कम लोगों को पता होगा जितने भी कनाडा इंडिया कहीं पे भी नाइकी के स्टोर्स हैं, बेशक वो नाइकी नाइकी लिखा हुआ है, वो फ्रेंचाइजी है, वो नाइकी के एक्चुअल स्टोर्स नहीं है। नाइकी के एक्चुअल स्टोर्स सिर्फ और सिर्फ यूएस में है। बेसिक फर्क आपको कैसे पता लगता है अगर मैं आपको लेमन टर्म में समझाऊं, नाइकी ऑफिशियल नाइकी विल अलाउ यू रिटर्न ऑफ 60 days। आप 60 days जूते पहन के सड़क पे जाके गंदे करके वापस दे सकते हो, यूएस नाइकी कुछ नहीं कहेगा। वेयर एल्स इंडिया कनाडा और मतलब बहुत सारी बाकी की जगह वो यू कांट वेयर देम। 30 days की उनकी भी रिटर्न होती है कि आपको नहीं अच्छा लगा वापस कर दो, बट यू कैन नॉट वेयर देम। यू कैन ट्राई इट, घर पे ट्राई कर लिया, पहन पुन के देख लिया, बट आप बाहर नहीं जा सकते। अगर गंदे हो गए तो वो मना कर सकते हैं। वेयर एल्स यूएस नाइकी कहता है भाई गंदे कर लो, फाड़ लो, 60 दिन में जो करना है कर लो। अच्छा बाय द वे नाइकी पे ऑफर चल रहा था कि अगर $200 प्लस की शॉपिंग करोगे तो वो ऑरेंज वाला बैग फ्री मिला। गाइस हम ना आने वाले टाइम में पोर्टलैंड जाने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है, रोड ट्रिप मारने के लिए। और हमारा प्लान ऐसा जो दिल है काफी डेंजरस और काफी ज्यादा एडवेंचरस है। सो वी आर नॉट वेरी श्योर, वी आर कन्विंसिंग आवरसेल्फ्स कि इतना एडवेंचरस होना भी चाहिए कि नहीं, बट हमारा दिल है कि हम 72 आवर्स या 48 आवर्स लिविंग इन टेस्ला चैलेंज करें, ठीक है, लिविंग इन आर कार। सोना भी कार में है, वॉशरूम वगैरह कहीं पब्लिक यूज कर सकते हैं, बट कोई होटल नहीं करना, कुछ नहीं करना, गाड़ी को ही घर बनाना है। क्योंकि हमारा आने वाले टाइम में ना थोड़ा सा दिल है कि यार हम ट्रैवल ट्रूवल करें, तो ये इट विल बी लाइक अ ट्रेलर फॉर अस कि यार जितने हम सपने सोच रहे हैं वो तो ना थ्योरेटिकली सोच रहे तो ये ऐसे हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा, प्रैक्टिकली आपको पता लगता है नहीं यार पॉसिबल नहीं है। सो ये हमारे लिए ट्रेलर होगा कि क्या हम गाड़ी में रह भी सकते हैं और टेस्ला का वही कैंप मोड है, इसलिए बस हमें एक लालच आ रहा है, बट थोड़ा सा डर भी लग रहा है रात को कैसे सोएंगे क्या होगा। आप लोग कमेंट्स में बताना अगर किसी ने ऐसा किया हुआ है ऑलरेडी तो, या फिर कोई टिप्स हो जो हमें देना चाहते हो तो हाईली अप्रिशिएटेड। लाइक सेफ पार्किंग कि रात को कहाँ पार्क कर सकते हैं। हमारा जिम है वो 24 आवर्स है, यूएस में भी उसकी फ्रेंचाइजी है तो हम वहां जा सकते हैं। हमारा प्लान है कि हम जिम में जाके नहाएंगे, ठीक है, वर्कआउट कर लेंगे क्योंकि हम ऑल ओवर यूएस कनाडा यूज कर सकते हैं उस जिम को। पार्किंग 24 आवर्स है तो ये सब सोचा है, बट और आइडियाज लाइब्रेरी का सोच लिया, खाना तो चलो भारी खाना होगा, तो ये सब देखेंगे। सुपर एक्साइटेड है, वो काफी क्रेजी व्लॉग्स होंगे। हाँ
हम क्योंकि अब हमारा वर्क अलाउ करता है कि वी कैन हम अपना स्केड्यूल ऊपर नीचे कर सकते हैं, वर्क अलाउ करता है बट हम स्किप नहीं कर सकते। हाँ। तो ये वो जो पोर्टलैंड का जो ट्रिप हम सोच रहे हैं वो इसलिए भी सोच रहे हैं, कहीं हम सोचे यार दिन में मैं 4 घंटे 5 घंटे दे सकता हूँ तो ऐसे करके एडजस्ट कर लेंगे, बट पता लगता है नहीं यार 5 घंटे निकलते ही नहीं है। कितना इंडिया में मैंने इधर उधर काम की वजह से काफी मैंने चीजें छोड़ी थी, मैं तो कर ही नहीं पा रही थी। अब वापस घर पे आए तो ट्रैवल के साथ साथ काम आसान नहीं होता, बट लेट्स सी। बट जुड़े रहना ब्लॉग्स के साथ, सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो चैनल पे, आप लाइक कर दो, आपको गिफ्ट कैसा लगा, दोनों के जॉर्डन्स कैसे लगे और मेरी शॉर्ट्स भी कैसी लगी वो भी बता देना। ये मेरा है, हम दोनों का है, हम दोनों का, तेरा इसमें सिर्फ इतना सा पोर्शन है। वो क्यों? ये बाकी मेरा, क्योंकि तेरे पास यू हैव मोर थिंग्स टू ईट एज़ वेल, आई हैव ओनली। ये देखो लड़की, ये लड़की अभी मेरी मीटिंग को टकर टकर सुन रही थी गाइस, टकर टकर। तो उसका नाम ठीक है, तो वो अपना कुछ मेरे को कन्विंस कर रहे थे प्रोग्राम के लिए, ठीक है कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं कैंपेन को ऐसे शिफ्ट कर लो। लेट मी स्टॉप यू राइट देयर, आई एम कन्विंस्ड। किरे गरी मेरा पति ऐसे किससे बात कर रहा है? गाइस हम जा रहे हैं हरदीप मासी के पास, बट जाने से पहले आप एक बार मेरे कपड़े चेक करो, फुल अटायर रेडी। बड़े ही प्यारे लग रहे हैं यार ये शूज, सुपर डुपर नाइस, लविंग देम। घर पे मैचिंग मिल गया गाइस, पड़ा था। और ये मेरे सारे कपड़े इतने खुले हो गए हैं जब से मैंने वेट लूज किया है, और इसे फिर से चॉकलेट खाई गाइस, ये डाइट पे चीट करती जा रही है। और कुकु ने पहने गाइस ऑल ब्लैक ही, मैंने अपने जूते के पहन लिए गाइस, फुल कंपटीशन देना चाह रही मुझे। गाइस मैंने आपको बताया था ना गाना नहीं सुना पा रहा है आपको, क्योंकि मैं उससे रिकॉर्ड कर रहा था जो दिन में बताया था आपको, जो मैंने गा के भी दिखाने की कोशिश की थी, जो ना मुझे समझ में आया था ना आपको, ठीक है वो गाना आप सुन लो। जितने हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं या जो हमारे व्लॉग्स देखते हैं इंडिया से, उन्होंने मेरे मुंह से ये बात पक्का सुनी होगी कि मैं कहता हूँ कि बेशक जितने मर्जी जन्म हो, ये बात मैंने लिटरली बोली है कि मुझे यही लोग चाहिए, और गाने में भी एग्जैक्टली ऐसा है। मैं हमारे सारे सब्सक्राइबर्स को कहना चाहता हूँ कि गाइस बिलीव इन मैजिक, बिलीव इन पावर ऑफ लव एंड एवरीथिंग विल बी ट्रू, नॉट जस्ट इन केस ऑफ लव, इन एवरीथिंग, इन वर्क एंड एवरीथिंग, जस्ट बिलीव इन योर मैजिक। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, आज गाइस टुचू की एनर्जी थोड़ी टुचू है, और हम जा रहे गाइस हरदीप मासी के पास। एक तो हरदीप मासी उनकी सारी फैमिली मुझे पसंद बहुत है, बट तो ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता गाइस, सुबह से, क्योंकि हमने कुछ खाना नहीं खाया गाइस, सो दैट्स व्हाई। क्या मैंने तो खाए बहुत सारे राजमा चावल, तूने खाए, मुझे तो इतने से दिए थे। हाय मेरी मम्मा की आंखों में आंसू ना आ गए, मम्मा छोड़, मेरे को लग रहा है मिसेज गिल की भी आंखों में आंसू आ गए सोच के, और कीशु तो बेड से गिर गई, पर गौरव ने कहा गुड कीरत। मासी को ना गाड़ी भी दिखाने लेके आए हैं, प्रॉब्लम ये गाड़ी गंदी ही इतनी है, ऐसी बेइज्जती हो जाएगी। मासी हुए हैं, मासी गाड़ी छोड़ो, जूते देख लो आज, कुकड़ा एक कुकड़ा, हेलो कैसे हो मासी, कैसे हो आप? आज की डेट में कोई भी किसी के भी घर बैठते सबसे पहले यही बात होती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने बढ़ गए हैं, दिस इज द हॉट टॉपिक। मासी देखो आपके साथ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, जो भी है वो मेरे को जल्दी से कुछ खाने को दे दो। मैंने देखा तो पैर से नहीं खाया, मैं वेट कर रहा था, तो घर पर ही बना के, मैं कहा मासी के पास जाके वही खा लेंगे। ये मासी ने गाए जैसे बस। अचारी राजमा है और ये हरी चटनी है, ये पनीर की है, और आज इतने टाइम बाद खाएंगे चपाती, क्या बात है, थैंक यू मासी। गाइस कैसे पता लगता है आपको घर के काम बिल्कुल आते हैं? मासी कहते हैं दही ले जा, फ्रेंच फ्राई ये ले, मासी कहते क्या कर रही है कीरत, रायता बनाया है। Oops, servers and stuff like that. Yeah. And then I turn on your okay. I should be paddar. मासी आपने सब्सक्राइब किया है ना चैनल को? Of course.
कोर्स तो जिन्होंने नहीं किया उनको कुछ बोल दो कि सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सब्सक्राइब कर दो थैंक यू सो क्यूट कपल बस गेट नीचे रख फोन नीचे रख सो बाय 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 समर थैंक यू मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ आप लोग हमें कहते हो कि हम आपको मोटिवेट करते हैं हमें मासी ने अभी इतना मोटिवेट किया है विश हम लोग वो रिकॉर्ड नहीं कर पाते वो आपके तक शायद बातें पहुंच नहीं पाएंगी बट जेन्युइनली मासी आज इतना ज़्यादा ये ज़रूरत थी ये बात करने की ये जो आपने डिस्कशन की है बताया हमें आई एम फीलिंग सो हैप्पी दैट शी इज़ इन आर लाइफ and thank you so much for telling us everything hum I'm walking now when I'll be going back home I'll have a smile on my face and I'll have a different vision right now yeah Shiv and Kirat you guys are doing awesome job. Thank you Masi thank you Masi love you guys love you too Masi genuinely thank you all the best so blessed to have you hame apna petrol chahiye hota wo main yahan se mila yes दोस्तों हरदीप बस ये घर से हम वापस आ गए हैं और अब मैंने अपना थोड़ा काम भी कर लिया है मैं जा रहा हूँ सोने कुकू ऑलरेडी सोने जा चुके हैं क्योंकि मैंने बताया था कुकू की तबीयत थोड़ी ऑन ऑफ हो रही है सो आप भी बाय बाय करने से पहले वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना और जरूर कमेंट्स में बताना कि आपको हमारे शूज कैसे लगे आज का व्लॉग कैसा लगा एंड गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आप नए हो चैनल पे आपने सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करके जाना थैंक यू सो मच